तवांग में घुसपैठ की कोशिश पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरें चिंताजनक हैं, ये कहा गया है ओवैसी की तरफ से। सरकार ने अधूरा ब्यौरा दिया, झड़प की वजह क्या थी ये बताया जाए, ये कह रहे हैं ओवैसी। मामले पर संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश करेंगे, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। आज भी हम डेमचौक और डेपसांग चीन के पास है, जिस एरिया से डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, हमने गैर जरूरी एक नया स्टेटस को बना दिया, अब तवांग में ये हो रहा है। तो ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया, आखिर इसको क्या छुपा रही है सरकार? 9 को होता है और 12 को मीडिया से मालूम होता है क्यों हुआ यह हादसा, कितने राउंड फायरिंग हुई, हमारे सिपाहियों की हालत कैसी है, हमारे फौजी कैसे हैं, और सरकार क्या करेगी इसका, इसका जवाब देगी नहीं देगी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा नहीं होगा, इन बातों का जवाब हम सरकार से जानना चाहते हैं। और इसलिए हम पार्लियामेंट में जो मोशन देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार एक डिस्कशन अलाउ करेगी, भागेगी नहीं इन मसलों से। हालांकि समीर ये साफ हो चुका है कि संसद हंगामेदार होने वाले हैं, क्योंकि अब संसद में जिस तरीके से सरकार का घेराव इस पूरे मामले पर किया जा रहा है, और सरकार की तरफ से अभी तक क्योंकि इस पूरे मामले पर स्टेटमेंट नहीं आया है, इसलिए विपक्ष पूरी तैयारी में है संसद के अंदर सरकार का घेराव करने की। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है और तमाम विपक्षी दल जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि तवांग में जो झड़प हुई उसकी पूरी डिटेल देश से साझा की जाए, और संसद में क्योंकि सत्र चल रहा है इसलिए सत्र के दौरान इसे लेकर सरकार की तरफ से बयान दिया जाए, ये ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है।